जीवों में विविधता भाग तीन कक्षा नौ। तो अब तक इस पाठ में हम पांच में से चार जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय और प्लांटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस पाठ में हम आखिरी जगत एनिमेलिया तथा उसके उपवर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं तथा शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। शारीरिक तथा विभेदीकरण के आधार पर एनिमेलिया जगत को 10 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये उपवर्ग हैं पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और आखिरी वर्टिब्रेटा। तो पाठ के इस भाग में हम सिर्फ पहले पांच उपवर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उपवर्ग पोरीफेरा के बारे में जानते हैं। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। पोरीफेरा की कुछ उदाहरण है साइकन, स्पॉन्जिला इत्यादि। अगला उपवर्ग है सिलेंटरेटा। ये जलीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इनके शरीर में एक देह गुहा भी पाई जाती है तथा इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतें आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जाति समूह में रहती है, जैसे कोरल, तथा कुछ जाति एकाकी में रहती है, जैसे हाइड्रा। इनके कुछ उदाहरण हैं हाइड्रा, एनिमोन, जेलीफिश आदि। पहले दृश्य में आप हाइड्रा को देख सकते हैं तथा दूसरे दृश्य में कोरल दर्शाया गया है, जो कि जाति समूह में रहता है। तीसरा प्लेटीहेलमिंथीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन तीन कोशिकीय स्तर से हुआ है। इनके शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है,
जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लूक जैसे परजीवी है। नीचे दिए गए चित्र में प्लेनेरिया को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि प्लेनेरिया का शरीर बिल्कुल चपटा एवं पृष्ठधारीय है। चौथा, निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु है तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को हूक सीलोम भी कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोणिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। निमेटोडा के कुछ उदाहरण हैं गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, एस्केरिसिस, वुचेरिया। दिए गए दृश्यों में एस्केरिस तथा वुचेरिया को दर्शाया गया है। पांचवा, एनिलिडा। एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। अतः है अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनिलिड अलवण एवं लवणीय जलों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तांत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जल और स्थलीय दोनों होते हैं। एनिलिडा के कुछ उदाहरण हैं केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। सारांश, तो अब तक हमने इस भाग में सीखा एनिमेलिया वर्ग के प्राणियों में निम्न विशेषताएं होती हैं। ये जीव यूकैरियोटिक, बहुकोशिक तथा विषमपोषी होते हैं। इनके शरीर में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। एनिमेलिया वर्ग को 10 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो अगले भाग में हम सीखेंगे एनिमेलिया के बाकी 5 वर्गों की विशेषताएं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉलेटा और वर्टिब्रेटा जैसे उपवर्गों के बारे में हम चर्चा करेंगे तथा इनके उदाहरणों द्वारा इन्हें समझेंगे। धन्यवाद।